नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में टेक्नो स्पार्क 6 गो के अंदर में एक ऐसे हिडन सेटिंग बताऊंगा फ्रेंड, जो कि आप इस सेटिंग से फ्रेंड्स अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है फ्रेंड, तो इस सेटिंग के जरिए फ्रेंड्स आप अपने स्मार्ट टीवी को फोन को कनेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड, जो कि आपके फोन में या टेक्नो को फोन में यह सेटिंग दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके घर में स्मार्ट टीवी है और वह सेटिंग को यूज नहीं करते, अपने फोन को टीवी में कनेक्ट करके नहीं चलाते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखें फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसा ही एक सेटिंग बताऊंगा फ्रेंड, जो कि आपके फोन में रहता है, आप उस सेटिंग को यूज नहीं करते थे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह आप यह सेटिंग को आप यूज कर सकते हैं फिर। जैसा कि फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास स्मार्ट टीवी है फ्रेंड्स, मैं पूरा इसको कनेक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा टीवी में भी, अपने मोबाइल में भी। तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन पैनल में आ जाते हैं। देखिए नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद फिर से यहाँ पे देखें कास्ट है, इसको आप जब ऑन करेंगे फिर तो आप यहाँ से अपने स्मार्ट टीवी से भी कनेक्ट अपने फोन को कर देंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आप अपने फोन के सेटिंग में आ जाए। फोन के सेटिंग में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन पे आ जाए। मोर वाले ऑप्शन पे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें कास्ट, इसमें यहाँ पे है, कास्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें। यहाँ पे जैसे ही आप कास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपके घर में कोई भी स्मार्ट टीवी होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखें मेरे को सैमसंग द फ्रेम टीवी है 55 इंच का, तो ये है कि यहाँ पे मेरा शो कर रहा है। और उसके बाद फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि यहाँ पे इसका नाम चेंज करना, जैसे कि मेरा सैमसंग द फ्रेम टीवी लिखे, यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग वाला आइकॉन पे इस तरह जाना होगा, उसके बाद यहाँ पे एडिट भी आप कर सकते हैं, आपको जो मर्जी वो नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे नाम चेंज नहीं करूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास कोई अदर आउट डिवाइस स्मार्ट डिवाइस नहीं है, सिर्फ मेरे पास एक टीवी है, जो तो इसके लिए मैं इसको चेंज नहीं करूँ। एक्चुअली मैं इसलिए किया जाता है, कई बार बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनके पास 2-3 TV होते हैं घर में, कोई उस रूम में कोई उस रूम में, तो इस तरह आप इसको नाम लिख देंगे तो आपको अच्छा हो रहेगा कि आप कौन सा टीवी में कनेक्ट करना चाह रहे हैं फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। देखिए इसके ऊपर जैसे मैं कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखिए कनेक्टिंग ये लिख लिया और मेरा टीवी में भी ये कनेक्ट हो रहा है। जैसे मेरे टीवी में कनेक्ट होगा फ्रेंड्स, मैं आपको टीवी में कनेक्ट करके मैं दिखाऊंगा, एक कनेक्ट हो जाएगा तो उस तरह मैं आपको करके मैं दिखाता हूँ फ्रेंड। तो देखिए मैं थोड़ा देर वीडियो को प्यूज करता हूँ, अपने टीवी में आपको ले जाकर चलता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे टीवी में कनेक्ट ये फ़ोन हो गया फ्रेंड। जैसे कि मैं कुछ भी अब कर रहा हूँ अपने मैं फ़ोन में, तो यहाँ पे देखिए मेरा ये शो कर रहा है। जैसे कि जैसे मैं अपने टीवी में यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ, तो देखिए मेरे टीवी में भी मैं यहाँ पे कुछ भी खोलूँगा फ्रेंड, जैसे मैसेज ही मैं खोलूँगा तो देखिए मैसेज मेरा यहाँ पे शो कर रहा है। तो एक कास्ट वाले सेटिंग से आप अपने स्मार्ट टीवी को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप यूट्यूब भी देख सकते हैं, जो आप अपने मोबाइल में करेंगे फ्रेंड्स वो आपको फ़ोन में जो होगा वो आपके टीवी में भी होगा। इसलिए टेक्नो स्पार्क 6 GO के अंदर मेरे को ये सेटिंग बिल्कुल ही अच्छा लगा। ये बहुत ही आसानी से आप कोई भी स्मार्ट टीवी में आप कनेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कॉमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा फ्रेंड, तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन घंटी को दबा दें। दोस्तों आप जब बेल आइकन घंटी को आप दबाएंगे फ्रेंड, तो उसमें एक ऑल का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि मैं जब भी इस तरह का कोई भी वीडियो लाऊंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा फ्रेंड। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं फ्रेंड्स। अगर मान को इसको डिसेबल करना है फ्रेंड, तो डिसेबल करने के लिए बहुत ही आसान है फ्रेंड। इसको आपको डिसेबल करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में आ जाता हूँ, उसके बाद यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं इसको बंद करूँगा तो यहाँ पे देखिए डिस्कनेक्ट लिखने का आ गया ऑप्शन, तो यहाँ पे मैं डिस्कनेक्ट करूँगा तो मेरे टीवी से डिस्कनेक्ट हो गया। तो इस तरह आप इसको डिस्कनेक्ट भी करना चाहते हो आसानी से कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कॉमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।